पीएम मोदी कुछ ऐसा बोल गए जिससे चुनाव के बीच ही पूरे विपक्ष का मुंह बंद हो गया है। पीएम लोकसभा चुनाव के बीच ही बोले कि राम मंदिर एक चुनाव का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो लोगों की आस्था का विषय है जिस पर राजनीति नहीं की जा सकती। राम मंदिर कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं था और ना ही इस बार है। आज तक इंटरव्यू में भी पीएम मोदी यही बोलते रहे कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मुझे तो ईश्वर ने माध्यम बनाया है। मोदी बोले कि मुझे तो भगवान ही ऊर्जा देते हैं और ये भी उनका ही फैसला है। प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए इतना चर्चा में है क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही राम मंदिर का जिक्र करती आ रही है और इसी कारण जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना भी बहुत चर्चा में रहा था। पीएम इस दौरान भावुक भी हुए और बोले कि मेरी माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, माँ के निधन के बाद अब गंगा ही मेरी माँ है। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी अपनी माँ को याद करते दिखे। पीएम बोले कि मेरी माँ ने हमेशा से यही शिक्षा दी है कि जीवन में सरलता रखो और खूब मेहनत करो। उन्होंने बताया कि वो जब सीएम आवास में रहते थे तो माँ का घर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। पीएम के अनुरोध के बाद भी वो वहाँ रहने नहीं आई और बोली कि अगर मैं आई तो तुम्हारा काम कैसे होगा, मैं यहीं पर खुश हूँ। पीएम बोले कि माँ का आशीर्वाद हमेशा से ही मेरे साथ है। पीएम ने माँ के 100वें जन्मदिन का किस्सा भी बताया कि उन्होंने कहा था कि माँ का जब 100वां जन्मदिन था तो वो उनसे मिलने गए और उनका आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि अगर आपका कोई संदेश हो तो बता दो, तो पीएम मोदी की माँ ने कहा कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। उन्होंने कहा कि माँ की बात सुनकर मैंने भतीजे से कहा कि इसको रिकॉर्ड कर लो, ऐसी बात तो कोई कभी भी नहीं कह सकता। और ये बात भी देखने वाली है कि पीएम के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई और राज्यों के सीएम भी पहुंचे।